महात्मा बुद्ध एक महान धर्म प्रचारक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इस संसार को विवेक का मार्ग दिखाया और अपने ज्ञान से पूरे विश्व को प्रकाशित किया। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। कई ग्रंथों में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी माना जाता है। पेश है भगवान बुद्ध के वह 51 वचन जो अपनाने से आपको जीवन में सफलता और शांति मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। घृणा घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सभी गलत कार्य मन से ही उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या गलत कार्य रह सकता है? अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। वह व्यक्ति जो 50 लोगों को प्यार करता है, 50 दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता, उसे कोई संकट नहीं है। क्रोधित होना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयले को अपने हाथ में रखने की तरह है, जो तुम्ही को जलाती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल ले, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। जीभ एक चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देती है। अराजकता सभी जटिल बातों में निहित है, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहो। आपको जो भी मिला है उसका अधिक मूल्यांकन न करें और न ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन को शांति कभी प्राप्त नहीं होती। सत्य के रास्ते पर कोई दो ही गलतियां हो कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। हजारों दियों को एक ही दिए से बिना उसके प्रकाश को कम किए जलाया जा सकता है। खुशी बांटने से खुशी कभी कम नहीं होती। तीन चीजों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। हम अपने विचारों से ही अच्छी तरह ढलते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जब मन पवित्र होता है तो खुशी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ चलती है। अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। अच्छी चीजों के बारे में सोचें, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध खुद आपको दंड देगा। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर ना तलाशें। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए
एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है ऐसा भरोसा करना चाहिए। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करें। दूसरों के सामने कुछ भी साबित करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद को साबित करें। हर इंसान की प्रतिस्पर्धा पहले खुद से होती है, इसलिए दूसरों पर जीत हासिल करने से पहले यह जरूरी है कि हम खुद पर जीत हासिल करें। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। खुशी हमारे दिमाग में है। खुशी पैसों से खरीदी गई चीज़ों में नहीं, बल्कि खुशी इस बात में है कि हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरों के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। इसलिए असली खुशी हमारे मस्तिष्क में है। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा। हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस तो नहीं आएगा। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है। मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। वह व्यक्ति जो लोगों को प्यार करता है दुखों से घिरा होता है। जो किसी से भी प्यार नहीं करता उसे कोई संकट नहीं है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। सदाचार को दुष्टों के द्वारा ज्यादा सताया जाता है बनिस्वत यह अच्छे लोगों के प्यार से। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना ही कोई स्वर्गदूत और ना कोई राक्षस। हम जो बोलते हैं अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि इससे सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है।